घूमना चाहते थे, पास करने में कामयाब हुए, गोल पर टकराने के बाद गोल पर थ्रो चली गई है। घूटे से जरूर टकराई थी, जंप लगाए थे गुट्टी तक है, लेकिन रोकने में नाकामयाब और गोल होता हुआ। जरूर लेकिन रोकने का प्रयास जरूर डायमंड करी थी, लेकिन फिर से लेफ्ट विंग को भी हिले और बाय थी हैंड पर तैनात सात नंबर जोड़ा की करना चाहते थे, सिक्सटी रन के पर सात नंबर स्कोर को नियंत्रण करिए और जीवित रखते आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा। सुंदर शाम के साथ आलिए गेंद को नौ नंबर के लिए रिलीज की बाउंड बटा पे भी नंबर रखी है, डायमंड एफ का भी कोई चलाने के साथ अमर का बफर पड़ाते हुए यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन बैक पास हुई यहाँ पर रिजर्व प्रदर्शन अपने कदम बने रखने के बाद पास करी है और डालना चाहते थे, लेकिन डिजाइन हुई गेंद गोलपोस्ट को टारगेट पर नहीं रख पाए और इस कारण से गेंद चली गई बाहर से बाहर। बॉल पर ध्यान देंगे, गेंद ऑलरेडी मैदान के अंदर आ चुकी है, इसलिए उस बॉल को मैदान में ना भेजने की कोशिश करेंगे। सुंदर विशाल के साथ सप्रीम सिंह खेलना चाहते थे, लेकिन डिसाइड होने के कारण जो चलिए बाहर से बाहर। अच्छा ताले के साथ खेलना चाह रहे दोनों टीम, लेकिन अभी पूरी तरह से मैं नहीं आए हैं और एक कॉम्बिनेशन बनाने की भरपूर प्रयास कर रहे हैं। कितना कामयाब होते हैं, मैं घंटर के पहले का खेल चलता हुआ पिछले मैच के बारे में हम बताना चाहेंगे। लोकल बॉयज और विजय अलवर के बीच मैच हुआ था, जिसमें इसका मौजूदगी गोल के बदौलत सड़क बनाई थी और अंततः दो शून्य के सड़क के साथ विजय अलवर की टीम जीत दर्ज करते हुए दोस्ती चक्कर में अपना स्थान सुनिश्चित किए हैं। लेकिन अभी जो चल रही मैच के बारे में हम बताना चाहेंगे, जो कि सप्रीम कई एफ सी एक टीम से पीछे चल रही है और डायमंड एफ सी की टीम जो कि पूरी गलती में खेलते हुए एक शून्य का बरत के साथ खेलते हुए करना पड़ेगा। पहला मैच में गोल पास टकराने के बाद गोल हुआ कर्मा देवी की गोल, लेकिन जाने दें गेंद को मैदान से बाहर, ट्रायल हुई जरूर ग्यारह नंबर के लिए। ग्यारह नंबर काफी अच्छी मैच के साथ लेकिन आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ
नियंत्रण की और लंबी चाल के साथ डाले यहाँ पर गेंदबाजों को ढूंढने का प्रयास सेट आउट किया मैंने आगे बढ़ने की कोशिश लेकिन दूसरे दूसरे को का दूसरा है भी डिफेंस टाइप पर खेलते हुए इस समय डायमंड प्रसिद्ध डिफेंस की टीम सफरुन सही अपने नियंत्रण में रखी है दाजो के खिलाड़ी को देने का प्रयास करता हुआ लेकिन ब्रेक पास कर लिया उन्होंने सेनम लाल पीछे दौड़ के डायमंड एफसी के लेफ्ट विंगर लेफ्ट विंगर अपने नियंत्रण में रखकर तेजी के साथ खेलते हुए बनाने का प्रयास करता हुआ देखना पड़ेगा अपने नियंत्रण में रखिए दो रन के बीच में निकालता हुआ कैच को आगे बढ़ने का प्रयास लेकिन जीत पर गेंद पर कब्जे करने की कोशिश लेकिन क्लियर करने में सफल थे मिटा और फील्डर को सफरुन सही के सुपर सी टीम डायमंड एफसी को लेकिन सफरुन सही के डिफेंडर ने हैरान दौड़ से क्लियर करने के क्रम में गेंद चली गई गोल लाइन से बाहर और एक कॉर्नर का अवसर मिलता हुआ हेलो नमस्कार आभार अभिनंदन मैं क्षमा चाहूंगा निश्चित तौर पर हल्का विलंब हुई पर धन्यवाद करूंगा सहयोगी बड़े भाई नितिन सिंह को काफी लंबे समय से आप सबों को मैदान पर घटित होता हुआ हर एक घटना को आपके कानों तक पहुंचाने में सफल हो रहे थे। सबसे पहले उपस्थित तमाम दर्शकों को मेरे ओर से प्यार भरा नमस्कार। आप एक बेहतरीन फुटबॉल टूर्नामेंट के गवाह बन चुके हैं जहां पर इस प्रतियोगिता की दूसरा मैच आपके सामने दूसरा मैच की दूसरा हाथ अभी अभी जो दर्शक जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं डायमंड एफसी टी क्या पीले जर्सी के साथ एक शून्य की बढ़त बनाई में एक डायरेक्ट फ्री किक जमीनी प्रहार अच्छी होगा जरूर पेनाल्टी एरिया से गेंद को निकाला गया एक बार फिर से बाई कर्मों के सहारे जरूर कोशिश किया गया था राइट विंगर तैयार थे
और राइट विंगर तक पहुंचने से पहले डिफेंडर विपक्ष के दल के इस मैच के बाद आर एस ट्रेडर और हर एक दरवाजा बंद हो जाते के लिए बस कसोई धीरे धीरे घटता हुआ और घटता हुआ तक रणनीति के साथ खुद अक्रमण का रूप धारण करते हुए समय नंबर दिल्ली गेंद को पहुंची जरूर है बताए छोटे अच्छी पास डालने का कोशिश है लेकिन दिक्कत से पर है फिर से मौका बनाने का प्रयास है यहां पर अच्छी टेक्निक के साथ सात नंबर दूरबीन के साथ लेकिन ठीक है गोलकीपर के दस्तानों में और रिसीविंग विजय बेरोधी की लंबी रिसीविंग